बहुत कोई लोग गौतम भाई से लेके बहुत सारे लोग ने बोला है कि धोनी ने अकेले नहीं जीता, हमने भी जीता है। वो हमने भी जीता है में भी तो रहना कभी भी आके नहीं बोला मैंने भी जीता है। So, रायना has always been called the biggest team man. वो टीम को साथ लेकर चलते थे हमेशा। और आपकी अगर कोई मेमोरी की बात करूं रायना के साथ तो कौन सी है? देखिए, सुरेश रैना इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर, मैं यही बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने अगर 2011 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हो तो अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने वो जो इनिंग खेले वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो बहुत जरूरी है वो इनिंग्स, वरना हम नहीं जीते थे। तो यस, बहुत कोई लोग गौतम भाई से लेके बहुत सारे लोग ने बोला है कि धोनी ने अकेले नहीं जीता, हमने भी जीता है। वो हमने भी जीता है में भी तो रहना कभी भी आके नहीं बोला मैंने भी जीता है। मैं बोलूंगा कि सबने मिलके जीता है, सबने मिलके जीता है, और उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है सुरेश रैना का, चाहे वो 2011 वर्ल्ड कप हो या फिर बहुत सारे जो टूर्नामेंट्स हो इंडिया के लिए। और सुरेश रैना का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, नॉट जस्ट एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदरहुड। तो मैं उनको धर्मेंद्र बुलाता हूँ क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग क्रिकेटर ड्यूरिंग आवर टाइम्स, क्योंकि वो मतलब ये ना वो धर्मेंद्र धर्मेंद्र का सिंगर रहता है और बहुत ही अच्छा गाना गाता है। ही इज वेरी गुड सिंगर, लॉट ऑफ पीपल डजंट नो अबाउट इट। ही केम आउट विद वन सॉन्ग आल्सो, और मुझे पूरा यकीन है अभी मैचेस लीग होने वाला है, वो भी कप्तानी कर रहे कोई टीम का, तो मजा आएंगे उनके खिलाफ खेलते हुए भी। अभी पिछले साल में उनके साथ भी खेले थे, गाजियाबाद में एक टूर्नामेंट खेले थे, वो कप्तान थे हमारे, तो हम लोग वो टूर्नामेंट जीते भी थे। तो सुरेश का मैं ये शो कम रहेंगे यार, मैं इज वन ऑफ दोस। उनका एक सर्जरी हुआ था 2006 में 2007 के बीच में, और उसके बाद जब वर्ल्ड कप हुआ वो मिस हुए थे, वरना अगर उनका सर्जरी नहीं होता वो 2007 वर्ल्ड कप में पक्का होते हैं, मगर वो मिस हुए। और उसके बाद उन्होंने आईपीएल में हाईएस्ट रन गेटर बने और इतना रन मारे, और जेम्स होब्स किंग्स इलेवन पंजाब की एक मैच था, मैं डीबी टिकट में खड़ा था, जेम्स होब्स आके डाले हमारे लिए और रैना ने एक छक्का मारा तो वेंकटेश्वर स्टेडियम के बाहर डाल दिया था। अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल, मतलब ही इज समबडी हु इज हु कैन हिट सो मेनी सिक्सेस इन नो टाइम। और बहुत लोग बोलते हैं कि चेन्नई क्रिकेट, चेन्नई सुपर किंग्स का धोनी भाई, मैं तो बोलूंगा बैकबोन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स वॉज सुरेश धर्मेंद्र रैना। सुरेश रैना का जन्मदिन भी है वैसे, तो उनको बर्थडे विश भी कर दीजिए आप अपनी तरफ से। सुरेश जी मेरे धर्मेंद्र, आपको जन्मदिन का हार्दिक शुभकामनाएं मेरा और नमिता जी के और स्पोर्ट्स कीड़ा की तरफ से। आप सदा सुखी रहे, सदा खुश रहे और आपका हर कामना पूरी हो जाए, और आप सबको ऐसे इंस्पिरेशन स्टोरीज दिखाते रहे, और मैं गॉड ब्लेस यू ब्रो, यू आर one of those cricketers who has never given up and will never ever give up in life also. So all the very best.